नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पे। अगर आप चैनल नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में जो लाल कलर का बटन होगा उसको क्लिक करिए और एक बेल होगा वहां पर, ठीक है, उसको क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन आपको आएगी अगर आप उसको क्लिक सेलेक्ट करोगे। और साथ में अगर वहां से नोटिफिकेशन नहीं आ पाती है तो टेलीग्राम, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी आपको अपडेट देता रहता हूँ, राइट। तो अब बात करते हैं आज के हमारे स्टॉक के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूँ दो स्टॉक के बारे में, एक तो है 3 रुपए का शेयर और एक है यस बैंक का अपडेट, ठीक है। एक है 3 रुपए का शेयर और एक है यस बैंक का अपडेट, दोनों के ऊपर हम बात करेंगे कि इन दोनों में हमारा अभी का करंट व्यू क्या है, स्टॉक्स में आप क्या कर सकते हो, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहले यस बैंक से, राइट। तो यस बैंक में एक बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिल रही है। क्या रीजन रहेंगे इसके, प्रॉफिट्स भी आई थिंक बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उस वजह से भी एक रीजन है। और बहुत पहले आपको अपडेट अगर मैं आपका आराम देना चाहता हूँ, 12 रुपए के भाव में द वैनगार्ड फंड ने इन्वेस्टमेंट करी थी। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी वैनगार्ड फंड इन्वेस्टमेंट करता है वो स्टॉक का प्राइस कुछ ही सालों में 1x हो जाता है। अगर आपको याद हो आलोक इंडस्ट्री में भी वैनगार्ड फंड ने इन्वेस्टमेंट करी थी 18 से 20 रुपए के भाव में ऑलमोस्ट बहुत पहले, तो वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 40 से 50 रुपए चले गया था। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक समझ लो, जिस स्टॉक में द वैनगार्ड फंड इन्वेस्टमेंट करता है। हाँ, दूसरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे वैनगार्ड फंड का लॉजिक पता है। तो वैनगार्ड फंड ने अगर कोई सी पेनी स्टॉक में पैसा डाला है तो वो स्टॉक वहां से डबल होने का पोटेंशियल लगता है लास्ट 1 ईयर में, सॉरी अगले 1 ईयर में, समझ गए। तो वहां से पैसा डबल हो चुका है, इतना मुझे क्लियर समझ आ रहा है यस बैंक में, जो मैंने भी आपको बताया था वो लॉजिक। तो उस लॉजिक से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा होता स्टॉक में तो बढ़िया है, अभी स्टॉक में डबल हो चुका तो निकाल लो अगर वहां इन्वेस्टमेंट करा है। अब क्वेश्चन आता है उन लोगों के लिए जिनकी एवरेजिंग 27 रुपए, 28 रुपए है, 30 रुपए, वो क्या करे। भाई मैं तो यही बोलूंगा एग्जिट कर लो, सिंपल सी बात है, क्यों इसके पीछे पड़े। बहुत सारे स्टॉक्स पड़े मार्केट में उसको देख लो, बहुत सारे पेनी स्टॉक्स पड़े उनके उनके ऊपर अपने ऑब्जर्वेशन गणित लगाओ, दिमाग लगाओ कि इसमें पैसा बन सकता है, उससे पैसा अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अब इस स्टॉक में आपको क्या करना है, प्रॉफिट देखते हैं पहले, ठीक है। मैंने अपना व्यू बता दिया वाला, अब आगे का व्यू समझते इसके प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट देखो करंटली कंपनी के कैसे आ रहे हैं, मैंने यहाँ कंपनी के प्रॉफिट को ईयरली प्रॉफिट खोल रखे, तो ईयरली प्रॉफिट के लिए संकेत दे रहे हैं कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रही है, तभी प्राइस का लगातार भाग रहा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी को आ रहा है। तो यहाँ पर 3 साल तक कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट आ चुका है, समझने का प्रयास करना। तो अब ये स्टॉक अगले 1 साल तक कंसोलिडेट कर सकता है, मतलब एक रेंज में घूम सकता है। तो स्टॉक आप 15 से 20 रुपए की रेंज में आपको आराम से मिल सकता है फ्यूचर में। तो स्टॉक अगर आपको 15-10 में मिलता है तो वहां बाई करना, यहाँ पर अगर हम नीचे बाई किया तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करो। नए लोगों को क्या करना चाहिए, नए लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए 15 रुपए 10 पैसे का, बस सिंपल सी बात है। 15 रुपए 10 पैसे या 16 रुपए 10 पैसे का, 16 रुपए 10 पैसे के आसपास स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से यस बैंक को, इससे पहले मत बाय करना, बाकी आपकी इच्छा अगर आप करना चाहते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टारगेट की। तो यस बैंक अगर यहाँ सस्टेन कर जाता है, अगर कर जाता है, वैसे करेगा नहीं सस्टेन, मोस्टली ये नीचे गिरेगा, ठीक है। तो अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता तो 16-10 तक आएगा, सस्टेन कर जाता तो 50 रुपए तक की गेन दिखाएगा, भूल जाओ कि 100 रुपए 200 रुपए जाएगा, 50 रुपए मैक्स है अभी तक तो, ठीक है। तो ये कहानी है यस बैंक की। अब बात करते हैं उस 3 रुपए के शेयर के बारे में जिसके टारगेट 15-20 रुपए हो सकते हैं, जो मैंने आपको बहुत पहले कई बार बताया कि स्टॉक को नजरों में रखिए, उसका नाम है सुंदरम मल्टीपेपर। अभी 3 रुपए 20 पैसे के भाव पर ट्रेड करा कुछ ही दिन पहले, आपको अगर याद होगा तो मैंने 3 रुपए के भाव में आपको स्टॉक बतलाया था, ये स्टॉक अच्छा लगता है नजरों में रखिए। क्यों बताया था, आपको देखिए कंपनी का जो ROCE है 7% के आसपास पॉजिटिव है, तो भैया क्या चाहिए, ठीक है। और साथ में अगर आप प्रॉफिट देखोगे, छोटे मोटे डिसेंट प्रॉफिट कंपनी को आ रहे हैं, आप देखिए कमी लगातार यहाँ पर प्रॉफिट था, अभी पीछे लॉस हुआ, तो हो सकता है कंपनी दोबारा से बाउंस बैक करे। मैंने बोला ना 2-3 साल का फेज होता है जहाँ कंपनी लॉस करती है, फिर प्रॉफिट करती है, फिर लॉस करती है, फेज चलता रहता है, तभी स्टॉक कंपनी नीचे गिरता है और ऊपर चढ़ता है। तो ये होना जरूरी है किसी भी स्टॉक के लिए। साथ में शेयर पैटर्न देखिए स्टॉक में, 31% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो अपने आप एक बड़ा नंबर है। साथ में यहाँ पर कुछ आपको पब्लिक होल्डिंग देखने को मिलेगी, छोटी मोटी होल्डिंग। तो मैं यही बोलूंगा स्टॉक को नजरों में रखिए, सुंदर मल्टीपेपर वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट है, जो आपको अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। ये स्टॉक बहुत लंबे समय से एक रेंज में घूम रहा है, आपको चार्ट दिखाऊंगा। तो 3 रुपए का प्राइस बाय बनता है, 2 रुपए 70 पैसे शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है, और लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 2 रुपए 35 पैसे का। टारगेट स्टॉक के 10 रुपए से 15 रुपए के गेन आपको स्टॉक दिखा सकता है बहुत जल्द ही, ठीक है। बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द ही, ठीक है, मानो ना मानो बहुत जल्दी दिखा सकता है आपको ये, राइट। अब आप चार्ट देखोगे स्टॉक का तो आपको क्लियर दिखेगा कि लास्ट ऑलमोस्ट देखो 16 से लेके 24 हो गया, प्राइस नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से कह रहा हूं अपनी नजरों में रखिए स्टॉक को,
डेफिनेट स्टॉक यहाँ से कभी भी टेकआउट कर सकता है और स्टॉक आपको आराम से 5 रुपए से लेकर 9 रुपए के गेन दिखा सकता है। ठीक है, तो सुंदर मल्टी पेपर की को नजरों में रखिए, यस बैंक को छोड़ो, इसको नजरों में रखो अगर रखना है आपको। ठीक है भाई, तो समाप्त करता हूँ। मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, खुद की स्टडी ऐड करना, खुद के फाइनेंशियल सलाहकार से पूछना कुछ नहीं है, कोई आपका नहीं है सलाहकार, तो एक मेरा नंबर है, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, अगर पास में कुछ पैसा कमाया है हमसे आपने, तो भैया ये नंबर है, यहाँ मैसेज कर दो, ये मेरा खुद का नंबर है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।